गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर की। इसके पहले हम लोग वेक्टर एलजेब्रा में एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे और एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने आपको ट्रायंगल एडिशन बाय ट्रायंगल मेथड, एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड, एडिशन बाय पॉलीगॉन मेथड एंड एनालिटिकल मेथड आपको पढ़ा दिया था। और ट्रायंगल मेथड जिस लॉ पर बेस्ड है ट्रायंगल लॉ भी बताया था और पैरेललोग्राम मेथड जिस लॉ पर बेस्ड है लॉ पैरेललोग्राम भी बताया था। और सारा बताने के बाद आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, हमें उम्मीद है कि आप होमवर्क कर लिए होंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग न्यू हेडिंग स्टार्ट करें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और फिजिक्स में शायद कोई ऐसा चैप्टर हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज़्यादातर जिसमें रिजोल्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इसके बाद डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो बताएंगे, यही वेक्टर का वेक्टर एलजेब्रा की असली हेडिंग है। इसी की अब ज़रूरत हमको ज़्यादातर फिजिक्स के चैप्टर्स में पड़ती है और इसके एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप नया हेडिंग देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो हेडिंग डाल लें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यहां पर पहले आपको इस हेडिंग में दो तीन चीज बेसिक आपको समझनी है। सबसे पहला कि रिजोल्यूशन क्यों करें, दूसरा रिजोल्यूशन है क्या, और तीसरा रिजोल्यूशन करते कैसे हैं, और चौथा इसके कुछ डेली लाइफ में जनरल एप्लीकेशंस क्या हैं। ये चार बातें आपको रिजोल्यूशन में समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि रिजोल्यूशन करते क्यों हैं। इसके लिए बहुत शॉर्ट में आप समझिए कि यदि कोई वेक्टर हॉरिजेंटल, यदि कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उस वेक्टर का इफेक्ट दो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। किन दो डिफरेंट डायरेक्शन में उस वेक्टर का इफेक्ट होता है, असर होता है, इसको जानने के लिए ही हम वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि वेक्टर्स का रिजोल्यूशन क्यों करते हैं तो आप सीधा सीधा बता दीजिए कि कोई भी वेक्टर यदि हॉरिजेंटल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, हॉरिजेंटल है, ये वेक्टर बी है, ये वर्टिकल है, और ये वेक्टर सी है जो ना तो हॉरिजेंटल है ना तो वर्टिकल है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यदि हॉरिजेंटल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो उस वेक्टर का इफेक्ट, उसका प्रभाव, उसका असर दो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। किन दो डिफरेंट डायरेक्शन में इसका इफेक्ट होता है, इसी को जानने के लिए हम वेक्टर्स का रिजोल्यूशन करते हैं। तो ये तो सवाल हो गया कि हम रिजोल्यूशन क्यों करते हैं। तो मैंने बताया इसमें चार बातें आपको जाननी है, पहला कि रिजोल्यूशन क्यों करें, दूसरा रिजोल्यूशन क्या है, तीसरा रिजोल्यूशन कैसे करें, और चौथा एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन क्या है। तो रिजोल्यूशन क्यों करते हैं बता दिया, अब रिजोल्यूशन क्या है ये समझिए, फिर रिजोल्यूशन कैसे करें इसको समझाएंगे आपको। तो रिजोल्यूशन क्यों करते हैं ये तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको बता दिया, अब रिजोल्यूशन है क्या यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिजोल्यूशन, तो आप बता दें कि किसी वेक्टर को दो या तीन कंपोनेंट में इस तरह तोड़ देना, स्प्लिट कर देना कि उन सभी कंपोनेंट्स का वेक्टर सम गिवन वेक्टर के यदि इक्वल है तो इसी प्रोसेस, इसी फेनोमेनन को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए,
किसी भी वेक्टर को दो या तीन कंपोनेंट में इस तरह बांट दीजिए, तोड़ दीजिए कि उन सभी कंपोनेंट का वेक्टर सम, नॉट सिंपल सम, उन सभी कंपोनेंट का वेक्टर सम यदि गिवन वेक्टर के इक्वल है तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम रिजॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ये प्रोसेस इन विच ए गिवन वेक्टर स्प्लिट इंटू टू आर थ्री सच कॉम्पोनेंट्स विच वेक्टर सम इज equals to the given vector is called resolution। यानी एक बार फिर समझ लें, किसी वेक्टर, यदि आपको कोई वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर को दो या तीन कंपोनेंट में ऐसा तोड़ दो, ऐसा ब्रेक कर दो कि उन सभी कंपोनेंट का वेक्टर सम यदि दिए गए वेक्टर के इक्वल है तो इसी प्रोसेस को, इसी एक्शन को, इसी प्रक्रिया को हम रिजॉल्यूशन कहते हैं। यानी रिजॉल्यूशन में हम कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ क्या करते हैं, कोई वेक्टर दिया रहता है उसको दो या तीन कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, और ऐसे दो या तीन कंपोनेंट में तोड़ते हैं कि सभी कंपोनेंट का यदि वेक्टर सम किया जाए, उसको वेक्टरली यदि ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो दिए गए वेक्टर के बराबर आ जाए, तो हम कह देते हैं कि हमने वेक्टर का रिजॉल्यूशन कर दिया। क्लियर? तो रिजॉल्यूशन क्यों करें यह बता दिया, रिजॉल्यूशन क्या है इसको बता दिया। अब रिजॉल्यूशन करते कैसे हैं इसको देख लीजिए, ठीक है? तो रिजॉल्यूशन करते कैसे हैं इसको देखिए, फिर रिजॉल्यूशन के एप्लीकेशंस बताए जाएंगे आपको। तो यहां हेडिंग डाल लीजिए, रिजॉल्यूशन of a vector in two rectangular components। यानी किसी वेक्टर को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्यूट करना सिखाएंगे आपको। आपको एक वेक्टर दिया रहेगा, उस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना है। और फिर मैं बताया, दोबारा सुन लीजिए, कि कोई वेक्टर यदि आपको दिया गया हो और उसको ऐसे दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट में तोड़ो कि उन सभी कंपोनेंट का यदि वेक्टर सम किया जाए, वेक्टर अलजेब्रा से ऐड किया जाए, और सबका रिजल्टेंट यदि दिए गए वेक्टर के इक्वल है, तो इसी को कहते हैं हमने वेक्टर का रिजॉल्यूशन कर दिया। तो यहाँ पर इस श्रेणी में हम किसी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे तोड़ा जाए इसको सिखाएंगे, और बाद में तब तीन कंपोनेंट में कैसे तोड़ा जाए इसको सिखाया जाएगा। तो अभी आप किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे स्प्लिट करते हैं, पहले इसको समझिए, फिर तब तीन कंपोनेंट में बताएंगे। ध्यान से समझें, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, अब इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमको तोड़ना है। तरीका सीख लो रिजॉल्यूशन का,
आपको एक वेक्टर को ए दिया गया और कहा गया इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, तो उसका सबसे सरल तरीका क्या है कि आप क्या करो कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ऐसा बनाइए डॉटेड लाइन से कि उन दोनों एक्सिस की जो ओरिजिन है वो इस वेक्टर के टेल पर हो। क्लियर? आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस डॉटेड लाइन से ऐसा बनाओ कि उसका ओरिजिन इसके टेल पर हो, और ये पूरा वेक्टर उस एक्स वाई प्लेन में हो। मैं जब अभी आपको यूनिट वेक्टर वगैरह बता रहा था तो वहां पर हमने बताया था तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो आपको डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ऐसी बनानी है कि उसका ओरिजिन इसके टेल पर हो और ये पूरा का पूरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। अब मान लीजिए यहां हमने डॉटेड लाइन से ये एक्स एक्सिस बना लिया, फिर हमने डॉटेड लाइन से यहां वाई एक्सिस बना लिया। तो देखिए एक्स एक्सिस भी बन गया, वाई एक्सिस भी बन गया, और इन दोनों एक्सिस का जो ओरिजिन है वह इस वेक्टर के टेल पर है। ठीक है, और ये पूरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हो गया। मैंने आपको एक्स वाई प्लेन बताया था क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने उस दिन बताया था कि मान लीजिए यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो पूरा इलाका है उसी को एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये जो पूरा इलाका है इसको वाई जेड प्लेन कहते हैं, ये जो पूरा इलाका है इसको जेड एक्स प्लेन कहते हैं। तो हमने तीन प्लेन आपको समझाया था, तो फिर एक बार सुन लीजिए। किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि डॉटेड लाइन से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा बनाना है कि इन दोनों की ओरिजिन इस वेक्टर के टेल पर हो और ये पूरा का पूरा वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन में हो। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए कि वेक्टर का जो हेड है वहां से डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और यहीं से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए वाई एक्सिस पर। इस वेक्टर का जो हेड है वहां से डॉटेड लाइन से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, वाई एक्सिस पर ड्रा कर दिया, अब एक पूरा रेक्टेंगल बन गया। अब यहां एक गाढ़ी लाइन से एक एरो वेक्टर बना दीजिए एरो, और यहां भी एक गाढ़ी लाइन से वेक्टर बना दीजिए एरो। अब इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। ठीक, और आप पैरेललोग्राम मेथड पढ़े हो कि यदि इन दोनों वेक्टर को ऐड करना हो तो पैरेललोग्राम बन गया और यही डायगोनल रिजल्टेंट होगा, यानी इन दोनों वेक्टर का सम, वेक्टर सम ए के बराबर है, इसलिए इसका मतलब हमारा रिजोल्यूशन सही है। इसलिए जब भी किसी वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना है तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही होता है। अब हमको वेक्टर ए दिया गया था, इसी को रिजॉल्व करना था, तो वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। चूंकि ये वेक्टर ए का ही कंपोनेंट है इसलिए इसको ए से ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है इसलिए इसको ए एक्स से लिखते हैं। ये भी कंपोनेंट ए का ही है इसलिए इसे भी ए से लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है इसलिए ए वाई लिखेंगे। तो इस तरह आपको फिगर में दिखाया गया है कि हमने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको ए एक्स, और दूसरा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है उसको ए वाई। उसी तरह से यदि आपको कोई वेक्टर एफ दिया हो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस तरफ होगा उसको एफ एक्स कहेंगे, जो वाई एक्सिस तरफ होगा उसको एफ वाई कहेंगे। यदि आपको कोई वेक्टर बी दिया है उसको रिजॉल्व करना है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बी एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बी वाई हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ हमारा वेक्टर ए है इसको जिन दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया है उसमें एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको ए एक्स से, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसको ए वाई से। ठीक है, क्लियर। तो अब कोई पूछे ए एक्स क्या है, तो ए एक्स को बता सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
यदि आपसे कोई पूछे कि ax क्या है, तो आप सीधा बता दीजिए कि ax इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x एक्सिस, या इसको कह सकते हो ax कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ये भी कहा जाता है ax कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, कई लोग यही कहते हैं। या चूंकि ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हो ax इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक उसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए ए वाई क्या है, तो आप ए वाई के भी तीन नाम दे सकते हो। ए वाई को कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, दूसरा कह सकते हो वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और तीसरा कह सकते हो चूंकि ये वर्टिकल है इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो जिस तरह से हमने ए एक्स का नॉमिनेशन किया है, वैसे ही आप ए वाई का भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ये रहा तरीका कि यदि कोई वेक्टर दिया गया हो तो उसको हम रिजॉल्यूट कैसे करेंगे, वो तरीका बताया। और जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्यूट करोगे तो इन कंपोनेंट के नाम कैसे, जैसे वेक्टर ए को रिजॉल्यूट किया तो ए एक्स ए वाई, बी को करते बी एक्स बी वाई, सी को करते सी एक्स सी वाई। अब इनके नाम तीन में से कोई एक रख सकते हो, उसी तरह इसके भी तीन नाम। अब मान लीजिए कि हमारा जो वेक्टर ए है वह एक्स एक्सिस के साथ यदि थीटा एंगल बना रहा हो, सपोज कर लीजिए कि हमारा जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल मैंने शो कर दिया। ठीक है, अब यहां पर नाम रख दीजिए पी, यहां रख दीजिए क्यू, यहां रख दीजिए आर। अब हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उन कैलकुलेशंस को देखिए। अब मान लीजिए ये हमने नॉमिनेशन कर दिया, अब आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी है, या पी क्यू जो भी कहिए, इस ट्रायंगल को लीजिए, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी, तो इस ओ क्यू पी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जरा साइन लीजिए या कास लीजिए, कास ले लो, तो कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की लेंथ लेनी है, तो चूंकि हाइपोटेनियस भी एक वेक्टर है, एरो है, इसकी लेंथ लेनी है, इसका मतलब कि यह जिस वेक्टर के लिए एरो रिप्रेजेंट किया गया है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम बताए थे कि किसी भी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाती है, तो चूंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमको हाइपोटेनियस की लेंथ लेनी है, तो हाइपोटेनियस की लेंथ माने इस एरो की लेंथ, और इस एरो की लेंथ माने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या एरो जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड, इसलिए ए पर एरो ना लगाकर ए लिख देंगे मैग्नीट्यूड। तो यहां से ए एक्स इज इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकल गई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में आप साइन ले लीजिए, सेम एज फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू ओ क्यू पी, अब इसमें साइन थीटा लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये ए वाई के इक्वल होगा, तो यहां भी लिख देंगे ए वाई अपॉन लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस यानी ए, तो यहां से ए वाई इज इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा। दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू निकल गई तो ए वाई इज इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा। ठीक, तीसरी चीज अब क्या कीजिए, इक्वेशन वन और टू का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कीजिए, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब स्क्वायर करके ऐड करोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर होगा, या यहां से ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन टू में जरा इक्वेशन वन को डिवाइड कर दीजिए,
इक्वेशन टू में इक्वेशन वन से डिवाइड कर दीजिए। तो जब इधर डिवाइड करो, ये ऊपर रखना है नीचे, ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो गया ए वाई अपॉन एक्स या इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो ये चार चीजें, पांचवी चीज द वेक्टर ए एंड इट्स कंपोनेंट आर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ए विद कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब यदि आपको कहा जाए कि इस वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के नाम कंपोनेंट ए एक्स लिख देंगे, और एक्स एक्सिस के नाम चूंकि यूनिट वेक्टर आई होता है, बताया गया है, तो आई लगा देंगे। फिर प्लस वाई एक्सिस के जो नाम कंपोनेंट है ए वाई लिख देंगे, आई इंटू वाई एक्सिस के नाम यूनिट वेक्टर जे लिख देंगे। तो इस तरह से वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कहीं भी कोई वेक्टर दिया हो तो जो आई का आई के साथ जिसका मल्टीप्लीकेशन है वो उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के नाम कंपोनेंट होगा, जे के साथ जिसका प्रोडक्ट है वह इसी वेक्टर का वाई एक्सिस के नाम कंपोनेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर जे, तो इसका मतलब हो गया कि थ्री क्या है, वेक्टर एफ का कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी थ्री इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो जब ये फोर्स का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है इसलिए इसको एफ एक्स लिख देंगे थ्री, और चूंकि ये फोर्स का वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है इसलिए इसको वाई एक्सिस वाई एफ वाई लिख देंगे, ये मतलब होता है। तो कहीं यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको समझना है उसका मतलब क्या, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आई में जिसको मल्टीप्लाई किया गया है वह इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के लंग कंपोनेंट है, और जे में जिसका मल्टीप्लीकेशन है जे का जो कोफिशियंट है वह इसी वेक्टर का वाई एक्सिस के लंग कंपोनेंट है। तो जब ये फोर्स का एक्स एक्सिस के लंग कंपोनेंट है तो फोर्स के एक्स एक्सिस के लंग कंपोनेंट को एफ एक्स, वाई एक्सिस के लंग कंपोनेंट को एफ वाई लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो चार फार्मूलाज आपको दिखाए गए, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन, इस पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसमें किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के लंग कंपोनेंट दे दिया, वो वेक्टर दे दिया और पूछा वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये निकल जाएगा। तो इसमें तीन चीज़ है, एक दो तीन, कोई दो दे देगा तीसरा पूछ देगा इससे लगे। उसी तरह से चारों इक्वेशन में तीन तीन क्वांटिटीज हैं, कोई दो क्वांटिटी दी रहेगी तो तीसरी क्वांटिटी निकल जाएगी। तीसरी बात कि यदि कोई वेक्टर आई और जे के टर्म में दिया है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये फार्मूला है। जैसे कहा जाए वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर एफ के मैग्नीट्यूड को एफ से लिखेंगे, और यदि आई और जे के रूप में कोई वेक्टर दिया हो और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट एक्स एक्सिस के लंग जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर, वाई एक्सिस के लंग जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर, यानी थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव। तो ये हमेशा याद रखना कि कोई भी वेक्टर यदि आई और जे के फॉर्म में दिया हुआ हो और कहा जाए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो सीधा अंडर रूट में आई का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर, जे का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इस तरह से किसी वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं ये आपको बता दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए जनरल,
अब जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है अब और कहा गया इसको रिजॉल्व करो, आपको कोई वेक्टर ऐसे दे दिया गया भी कहा गया इसको रिजॉल्व करो, आपको कोई वेक्टर ऐसे दे दिया गया मान लीजिए पी कहा गया इसको रिजॉल्व करिए, और आपको कोई वेक्टर ऐसे दे दिया गया वेक्टर आर और कहा गया इसको रिजॉल्व करिए। तो ये चार वेक्टर हमने आपको दिखाए हैं और एक चीज हमने बताया है कि कोई भी वेक्टर यदि हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, कोई भी वेक्टर या तो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है तो उसको रिजॉल्व नहीं करते, क्योंकि रिजॉल्यूशन उन्हीं वेक्टर्स का करते हैं जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल ना होकर किसी पर्टिकुलर एंगल पर हो। तो ये चारों आपको दिखाई दे रहा है, ये चारों वेक्टर ना तो हॉरिजेंटल हैं ना वर्टिकल हैं, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर हैं, इसलिए इनको रिजॉल्व करना है और करने को दिया भी जाएगा। अब रिजॉल्व करेंगे कैसे, सिंपली देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इधर एक्स एक्सिस के नाम कंपोनेंट बना दो, इधर वाई एक्सिस के नाम कंपोनेंट बना दो सीधा, ठीक, और डॉटेड लाइन से मिला दो ताकि रेक्टेंगल बन जाए। अब मान लीजिए ये मेन वेक्टर एफ जिसको हमने रिजॉल्व किया है वो इस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस कंपोनेंट को कहेंगे क्या एफ एक्स, क्योंकि ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के नाम है, इसको क्या कहेंगे एफ वाई। एक बात यहाँ याद रखना, अब पूछा जाए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ ए एक्स की वैल्यू निकाले हो ए वाई की वैल्यू निकाले हो, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, जो कंपोनेंट मेन वेक्टर के साथ एंगल बनाता हुआ दिखाया जाएगा, जैसे यहाँ पर दो कंपोनेंट है एक ये एक ये, लेकिन यही कंपोनेंट एंगल बनाता हुआ एफ एक्स ही दिखाया गया, तो जो कंपोनेंट एंगल बनाता हुआ दिखाया जाएगा उसकी वैल्यू लिखनी है, तो मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा ऐड कर देंगे, और जो कंपोनेंट मेन वेक्टर के साथ एंगल बनाता हुआ नहीं दिखाया जाएगा उसको मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। अब इसको रिजॉल्व करना है तो इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंब हो गया, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लंब हो गया। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए। अब मान लीजिए ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा, अब चूंकि ये कंपोनेंट वेक्टर वी का एक्स एक्सिस के लंब है इसलिए इसको वी एक्स से लिखेंगे, इसको वी वाई से लिखेंगे। तो मैंने कहा कि जो कंपोनेंट एंगल बनाता हुआ दिखाया जाएगा उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, जो मेन वेक्टर है वी उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा चूंकि वेक्टर वी को रिजॉल्व किए इसलिए वी साइन थीटा। तो किसी कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, यदि वेक्टर वी को रिजॉल्व किया है तो वी रहेगा ही, जो एंगल बना रहा है उसमें कॉस लगेगा, जो एंगल नहीं बना रहा है साइन लगेगा, ऐसे इसको रिजॉल्व करना है। तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के लंब, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, यदि ये एंगल बनाता हुआ दिखाया गया तो ये पी एक्स यानी पी कॉस थीटा, ये वाई एक्सिस के लंब है इसलिए पी वाई, ये पी साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह इसको रिजॉल्व करना है तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, यदि ये एंगल बनाता हुआ दिखाया गया ये वेक्टर आर का, तो ये आर वाई हो जाएगा, इसको लिख देंगे आर कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आर एक्स है ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस तरह कभी भी कोई वेक्टर रिजॉल्व करने को दिया जाए तो अब आप सिंपली ऐसे ही जनरली रिजॉल्व कर लीजिए, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लंब होगा, एक वाई एक्सिस के लंब होगा, नाम रखना बता दिए, वैल्यू बता दिए कितनी होती है, ठीक, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो ये हो गया रिजॉल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी किसी वेक्टर को यदि दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो ये तरीका हमने आपको बता दिया। अब नई हेडिंग डाल लीजिए, रिजॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब अगली हेडिंग डाल लें, रिजॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रिजॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो जिस तरह से हमने
एक दिए गए वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, एक कंपोनेंट अलांग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट अलांग वाई एक्सिस था, उसी तरह से किसी वेक्टर को आप तीन कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हो। तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलांग हो जाएगा, एक वाई एक्सिस के अलांग हो जाएगा, एक जेड एक्सिस के अलांग हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने जो विशेष रूप से बताई है कि जो कंपोनेंट मेन वेक्टर के साथ एंगल बनाता हुआ दिखाया जाएगा उसकी वैल्यू में कास लगेगा, और जो एंगल बनाता हुआ नहीं दिखाया जाएगा उसकी वैल्यू में साइन लगेगा, पिछला बताया हूँ। अब मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया लेट, ए वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, एंगल बीटा विद वाई एक्सिस एंड एंगल गामा विद जेड एक्सिस विच शोन इन विच शोन इन फॉलोइंग डायग्राम। मान लीजिए कोई वेक्टर ए आपको दिया गया है, वह वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। अब इसी को तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है, यह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। अब इसी वेक्टर ए को हमें तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तो जैसे दो कंपोनेंट किए थे वैसे ही तीन कंपोनेंट में होगा। तो मान लीजिए इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलांग हो जाएगा जिसको हम ए एक्स कहेंगे, एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के अलांग हो जाएगा जिसको ए वाई कहेंगे, एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलांग हो जाएगा जिसको हम ए जेड कहेंगे, और इनको चाहिए तो डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, नहीं मिला ये कोई बात नहीं। अब चूंकि ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेन वेक्टर के साथ एंगल बनाता हुआ दिखाया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी ए कॉस अल्फा। इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा लग जाएगा। चूंकि ये भी कंपोनेंट मेन वेक्टर के साथ एंगल बनाता हुआ दिख रहा है इसलिए इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ये का, इसमें भी कास लगेगा क्योंकि एंगल बीटा है तो बीटा रखेंगे। ये भी कंपोनेंट मेन वेक्टर के साथ एंगल बनाता हुआ दिखाया जाएगा इसलिए इसकी भी वैल्यू हो जाएगी कास भी हो जाएगी ये कास गामा। अब पहली चीज कि वेक्टर ए को इनके कंपोनेंट के साथ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां लिख सकते हो द वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंट्स विद कंपोनेंट एस। तो जैसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किए थे तो हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किए थे वैसे यहां भी कर सकते हो। तो वेक्टर ए लिख दिया, अब इनको कंपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट करना है तो इसका एक्स एक्सिस के नाम कंपोनेंट है ए एक्स, और एक्स एक्सिस के नाम यूनिट वेक्टर आई, दूसरा वाई एक्सिस के नाम कंपोनेंट ए वाई, वाई एक्सिस के नाम यूनिट वेक्टर जे पहले पढ़े हुए यूनिट वेक्टर में, और जेड एक्सिस के नाम कंपोनेंट ए जेड यूनिट वेक्टर ए के। तो इस तरह वेक्टर ए को इसके तीनों कंपोनेंट के साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी चीज ए एक्स की वैल्यू ए कॉस अल्फा, ए वाई की वैल्यू ए कॉस बीटा, ए जेड की वैल्यू ए कॉस गामा हो जाएगी। इसको भी याद करिए तीनों कंपोनेंट की वैल्यू। अगली चीज वेक्टर ए का यदि मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यानी ए की वैल्यू पूछी गई, तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई वेक्टर आई जे और के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो
उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट आई का कोफिशियंट ए एक्स का स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशियंट है ए वाई का स्क्वायर प्लस जो के का कोफिशियंट है ए जेड का स्क्वायर रख दीजिए, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक, अगली चीज यहां से आप देख रहे हो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, तो यहां से यदि कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली जाए तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए। वैसे ही इस इक्वेशन से कॉस बीटा की वैल्यू निकालिए ए वाई अपॉन ए, वैसे ही इस इक्वेशन से कॉस गामा की वैल्यू निकालिए तो ए जेड अपॉन ए। ये एक रिलेशन मिल गया। इसमें याद रखना वेयर कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो यदि कोई वेक्टर आई जे और के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो और कहा जाए कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो इस वेक्टर के तीन डायरेक्शन कोसाइंस होंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको कुछ बेसिक चीज हम समझाते हैं। तो ये किसी वेक्टर को तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करते हो गया, उसको उसके कंपोनेंट के साथ रिप्रेजेंट कैसे करते हो गया, और इन सारे कंपोनेंट की वैल्यू अलग लिख दिया, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया और डायरेक्शन कोसाइंस लिख दिया। तो तीन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब इसके बाद इस पर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको बता देंगे ताकि ये जितना फार्मूला बताया गया है इनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, उसको बताएंगे। उसके बाद तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताकर ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, बाकी अगले पार्ट बताएंगे। थैंक यू।